इतना गंदा आदमी हूँ मैं यार। ओके तो आज की ये वीडियो एक्चुअली मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि मैं बनाऊंगा, पर भाई ट्रेंड तुमसे क्या नहीं करवा सकता। सो या हियर वी गो, जिसके अंदर मैं एक चीज पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ध्रुव राठी भाई, आई रियली डोंट हैव एनी हेट फॉर यू, बट फॉर योर वीडियो एक्चुअली आई डू हैव सम हेट, जिसका रीजन एक्चुअली मैं वीडियो में आगे चल के तुम्हें पता चल ही जाएगा। जिसमें मैं सबसे पहले एक्चुअली मैं तुमसे बात करना चाहूंगा, हाँ तुम जो इस वीडियो को देख रहे हो, कि किसी भी मूवी को लेके एक्चुअली में ओपिनियंस कितने टाइप के होते हैं। इट गोज लाइक इधर यू लाइक द फिल्म, यू हेट द फिल्म, सम माइट इग्नोर इट एंड सम फाइंड इट मिड, एंड उसके बाद से वो सिर्फ एक ही एक्सट्रीम कैटेगरी बच जाती है जो कि है हेटरेट की, जिसे लेके एक्चुअली में मैं कभी भी फेवर में नहीं रहता। एंड मेरी ऐसे कोई हेटेड फिल्म वाली कोई लिस्ट नहीं है। एंड आज एनिमल को जस्टिफाई करने के लिए वीडियो नहीं बनाई जा रही है, बल्कि इन जनरल सिनेमा को लेके ये वीडियो बनाई जा रही है। लाइक इंटरनेट फ्री फॉर ऑल है, हर कोई अपने ओपिनियन इस पे आके दे सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ की चाहे वो एक ट्वीट करके दे या फिर एक वीडियो बना के। अगर तुम्हारा भी कोई ओपिनियन है जैसे कि इनका था, तो आओ उसे बताओ और जाओ। लाइक जेन्युइनली मेरे को लगा कि ही इज गोइंग टू टॉक अबाउट द मूवी, पर उसे छोड़ के एक्चुअली में कहीं और की ही बातें चल रही थी, जो मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है या फिर नहीं होनी चाहिए। यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट, करो, पर उसे इसके साथ लपेटो तो मत। इसलिए जो साइडलाइन बातें हुई उन्हें छोड़ते हुए सिर्फ सिर्फ अगर मूवी के पॉइंट्स की बात करी जाए, तो इनके अनुसार एक्चुअली में एनिमल एक क्रिंज फेस्ट है, मेरे ओपिनियन में एक्चुअली में नहीं है। एंड क्रिंज फेस्ट बोलना एक चीज हो जाती है, एंड उसे जस्टिफाई करना एक टोटली ही डिफरेंट चीज है, जो इन माय ओपिनियन ये अच्छे से नहीं कर पाए। उसके अलावा जो भी इक्वालिटी वगैरह की बातें चल रही थी, सैपिंग वगैरह को लेके, किसी भी चीज को लेके, उसे लेके एक्चुअली में डायरेक्टर एंड हमारा सबका एक ही ओपिनियन था, जो काफी स्वीट, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड था। इट इज जस्ट अ फकिंग फिल्म, वॉच इट इफ यू वॉन्ट, एंड इफ यू डोंट वॉन्ट टू वॉच इट, डोंट वॉच इट। एंड मुझे लगता भी नहीं कि भाई तुमने मूवी देखी भी है, तुमने बस ये सुन लिया है कि एक्चुअली मूवी के अंदर खून खराबा है, जूता चाटने के लिए बोला है, उसने उसका गला पकड़ा है, उसने उसके चाटा मारा। इसके अलावा लेजेंड तुम्हें कुछ भी मालूम है मूवी के बारे में? लेकिन इस चीज को लेके एक्चुअली मेरे को काफी ज्यादा स्टूपिड थिंग तब लगी जब ही सेड कि उसने अपने बच्चे को भी ढंग से नहीं पाला। लाइक डूड, ये चीज हमने एक्चुअली में नहीं देखी कि उसने अपने बच्चे के साथ क्या किया या फिर क्या नहीं किया। वो अमेरिका में था, एंड हमें वहां का कोई भी सीन एक्चुअली में नहीं दिखाया गया। यहां पे आने के बाद भी जब उसका बेटा एक्चुअली में उसे सुपर हीरो बोलता है, तो एक्चुअली में उस इंसान के चेहरे पे खुशी दिखती है। एंड एट लास्ट जो रिडेम्पशन की बात आती है, वो भी इस बंदे ने पिक्चर खत्म होते होते करा है। लाइक ही लॉस्ट हिज फादर, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, हर किसी से, तो एक्चुअली में वो बिछड़ जाता है। एंड एंड में एक लोन एनिमल की तरह पड़ा हुआ है। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए तो एक्चुअली में हमें भी इंतजार करना पड़ेगा, एंड तुम्हें भी इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार से पहले एक्चुअली में एनिमल वन देख लेना। एंड हाँ, अगर तुम सोच रहे हो कि पोस्टर के ऊपर ही कैंसर दिखा रहे हैं वाली बात के ऊपर मैंने क्यों कुछ नहीं बोला, सो इट वॉज अ डम एज फक स्टेटमेंट, जिसे मुझे नहीं लगता कि मेरे को मेंशन करने की भी जरूरत थी, लेकिन ठीक है। एंड हाँ, बाकी यही था मेरे ओपिनियंस के रिगार्डिंग, तुम्हारा क्या कमेंट करके जरूर बता देना। मैं जा रहा हूँ पश्चाताप करने, एंड टिल देन बाय।